यार एक गेम में चाहे तो ठीक है, पर दो दिन से यहाँ मौसम हो रहा है खराब, बाहर जा नहीं पा रहे, ब्लॉक बन नहीं पा रहे। तो यार रावत जी, रमोला जी, असवान जी, जी सर, यार दो दिन से मौसम खराब है, बाहर जाने का हो नहीं रहा, ब्लॉक बन नहीं रहा, क्या करें यार? कुछ नया कंटेंट, नया वीडियो डालने को कुछ मिल नहीं रहा यार, कुछ सजेशन दो यार रावत जी। सर मैं सर आपका कोरियर है। मेरा कोरियर है, कोरियर ये तो जी मिल गया नया कंटेंट। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। गौरव पवार सनलाइन हाइव स्थल मालूम, ये मेरा नहीं यार, गौरव भाई का है। गौरव भाई, गौरव भाई पता नहीं कहाँ जा रखे यार। चलो अनबॉक्सिंग कर लेते हैं यार, मुझे तो लग रहा है छोटा भाई। देखो क्या बना है गौरव भाई, करो फोन, करो गौरव भाई, ये ला रहे खोलते हैं यार। खोल के ऐसा हो कि गौरव भाई हमें बोले तुमने तोड़ दिया, चलो इसकी वीडियो बना के फिर आ जाओ, आ जाओ सबूत के लिए, आ जाओ भाई साहब, कहीं पता लगा हमें बोले कि तुमने तोड़ दिया। क्या हो सकता है इसमें, कौन क्या मंगाया? चलो जो भी मंगाया भगवान भला करे गौरव भाई। यार है तो ये पूरा पैक चारों तरफ से, नाम पे भी मोनू भाई के है, सनलाइन हाइप का एड्रेस भी है, सब कुछ है। चलो देखते हैं क्या है। चलो जी असवाल जी, जी सर, मौसम भले ही खराब था पर किस्मत खराब नहीं थी, कंटेंट खुद ब खुद आ गया जी, ब्लू डार्ट से हो। यार ये तो वो है जो हम इंस्टाग्राम देखते देखते जो ऐड किया तो अच्छा कार का वो होल्डर। लो जी ये कुछ है जी इस टाइप का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पे लिखा है फोन होल्डर 360 डिग्री प्री रोटेशन। वाह यार ये तो अच्छी चीज़ है, मुझे लग रहा है मोनू भाई ने मेरे लिए मंगाया होगा जी, ऐसा हो सकता है। ये जी इसके अंदर सबसे पहले निकला कुछ ये स्टिकर जी भाई जी, देख लो हम मोनू भाई को ऐसे बदनाम करते हैं कि फ्री में थ्रेडिंग करवा रहे। ये देखो जी दोस्तों, ये कुछ इस टाइप के इसमें फंक्शन दे रखे हैं कि इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ये तीन तरीके से या जितने टाइप से आप इसे यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट की इसमें जानकारी है जी, प्रोडक्ट का नाम है जी कार रियर व्यू मिरर फोन होल्डर। दोस्तों आने वाले आज के समय में ये बड़ी ज़रूरी चीज़ भी है, जरूरी नहीं कि आप कोई ब्लॉगर हो, आप कोई वीडियो बना रहे हो, लेकिन जिस हिसाब से आजकल हम देखते हैं विदेशों में ये मैंडेटरी है कि आपके कार में एक कैमरा लगा होना चाहिए आपके डैशबोर्ड में, जो आपके कार में होने वाली गतिविधियों को, चलते हुए रोड की गतिविधियों को रिकॉर्ड करे, और कभी कोई दुर्घटना हो जाए या उस हो जाए तो उस समय पे इन चीज़ों का इस्तेमाल करके एक वीडियो के मदद से सबूत के तौर पे भी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आजकल आए दिन सड़कों पर हादसे हो रहे हैं। रमोला जी ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत इसे डस्टबिन में डाल दीजिए, बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके, आप हमारा सहयोग कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों प्लास्टिक क्वालिटी ज़्यादा अच्छी तो नहीं कहेंगे पर ठीक ठाक है, ये स्टैंड पे चलने वाला है जी, मेरे ख्याल से फ़ोन होल्डर है। ये हमने वीडियो में देखा था इंस्टाग्राम पे, जो वीडियो आते रहते हैं रील वगैरह देखते हुए उसके बीच में दिखा था। प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों, सारा प्लास्टिक मटेरियल है और हार्ड प्लास्टिक है, ज़्यादा कोई प्रीमियम क्वालिटी का तो नहीं है, बाकी परफॉर्मेंस जो देखते हैं इंस्टॉल करके। ये जी फ़ोन को अपने माउंट करने के लिए है, मैं दिखाता हूँ आपको फ़ोन को माउंट करके, मेरे ख्याल से किसी भी साइज़ का बड़े से बड़ा फ़ोन भी आप इसमें माउंट ईजिली कर सकते हैं, इस टाइप से, इस टाइप से आप माउंट कर सकते हैं, हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल भी दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, बड़े अच्छी तरीके से ग्रिप इसमें बड़ी अच्छी है। ये जो प्रोडक्ट है मुझे लगता है ये इसी पे हैंग होगा, ये रियर व्यू जो आपके कार में जो कैमरा होता है उसी में माउंट होगा। तो चलिए दोस्तों इसमें कोई यूजर मैनुअल तो ऐसा कोई खास है नहीं, आप इस सबसे प्रयास करेंगे इसे इंस्टॉल करने का। ये है जी इसे हैंग करने के लिए मोड, ये थोड़ा फ्री चल रहा है, बाकी इसे लटका टांग के देखेंगे इंस्टॉल करने के बाद कि कितना यूज़फुल है। देखिए ये जो स्टिक है इसे आपको लगाना है कुछ इस तरीके से, और ये बोल्ट के सारे हम इसे कस देंगे, यहाँ से बोल्ट को टाइट कर देते हैं। दोस्तों मैं अभी अपने हिसाब से ही इसे देख के कर रहा हूँ, ऐसे इतना कोई ज़्यादा यूजर मैनुअल की इसमें ज़रूरत भी नहीं थी, आसान सा ही सेटअप है, मेरे ख्याल से कोई भी इसे थोड़ी देर देखने के बाद समझ सकता है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सा। ये यहाँ पे आपका ये देख रहे हैं दोस्तों, ये फोन का जो होल्डर है ये यहाँ पे दिया गया है ये, ताकि ये मूव हो सके, और इसको टाइट करने के लिए ये बोल्ट काम करेगा, ये कुछ इस तरीके से आपका फोन का होल्डर लगेगा, और इसे आप इस तरीके से
टाइट कर सकते हैं। इसको टाइट करके ये इसने कुछ थोड़ा थोड़ा मेरे ख्याल से इसने रूप ले लिया अपना, बाकी तो इसे गाड़ी में लगा के देखेंगे कि कितना ये सक्सेसफुल है या नहीं है, तब उसको आपको उसको इस प्रोडक्ट के रिव्यू हम थोड़ी देर में देंगे। एक प्रोडक्ट बच गया है ये मेरे ख्याल से, जी हाँ ये लगेगा यहाँ। बाकी प्रोडक्ट अच्छा है, जिस हिसाब से इसकी कीमत है दोस्तों उसके हिसाब से अच्छा है, आपके सेफ्टी पर्पस के लिए है अच्छा। जी देखिए जैसे हम बात कर रहे थे ये आपके कैमरे में फिट होगा, ये किस तरीके से फिट होगा आपके रियर व्यू कैमरे में, तो यहाँ से इस वाले नॉब को आप लूज करके इसे चाहे तो इस तरीके से रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं कहीं भी, किस तरह भी आप इसे मोड़ सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। फिर हम इसे यहाँ से टाइट कर लेते हैं ताकि ये सीधा रहे, मैं एक बार देख लेता हूँ सीधा है या नहीं। धीरू भाई क्या है, सीधा है थोड़ा सा? हाँ जी सीधा है, सीधा है। चलिए तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, गाड़ी में से लगा कर देखते हैं। लो जी दोस्तों पहुंच गए अपनी गाड़ी पे। ये देखिए कुछ ये जो दो बटन है ये इस तरीके से, यहाँ से ये इस तरीके से एडजस्ट होता है, तो इसके हिसाब से आप एडजस्ट कीजिएगा अपनी गाड़ी में अपने अनुसार। तो जी इस तरीके से जी ये हो गया आगे से फिट, तो मुझे दोस्तों ये हो गया फिट। देखिए इधर उधर भी मूव हो सकता है आसानी से अपनी आवश्यकता के अनुसार, इसको भी मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया है इस तरीके से, नॉब को यूज करके जिस डायरेक्शन में भी चाहे आप उसे फिट कर सकते हैं। इसे हम थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं सैंपल, इसे फिलहाल के लिए यहाँ पर सेट कर लेते हैं। अब लगा के देखते हैं अपना फ़ोन, ये हो गया जी फ़ोन हमारा फिट, ग्रिप इसकी काफ़ी अच्छी है। और अगर आप इसे चाहें अपने अकॉर्डिंग कि ताकि आपकी सामने की विजुअलिटी भी ख़राब ना हो अपने हिसाब से, जहाँ आप इसे चाहें इस तरीके से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। हम इसे करते हैं फिलहाल सेंटर में, ये हो गया जी फिट, फ़ोन को करते थोड़ा सा एडजस्ट। अपना ORM भी हमने फिक्स कर दिया, ये अभी थोड़ा सा कुछ सेट करना बाकी है, ये हो गया जी बिल्कुल परफेक्ट फिट। इसकी हाइट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने यूज के अनुसार, ये हो गया जी हाइट एडजस्ट। ये लीजिए यहाँ से इसे जिस तरीके से आप इसे यूज़ करना चाहें, कोई आप वीडियो बनाना चाहें देखते हैं इसमें वीडियो बनती है या नहीं बनती। जी हाँ ये बस सामान से साइड करके, ये देखिए सामने आपको व्यू दिख रहा है हमारे होम स्टे का बिल्कुल बढ़िया। और जैसे आप ड्राइव करते हैं तो ड्राइव करते हैं पूरी रिकॉर्ड हो सकता है जी, आप अगर इसे रिकॉर्डिंग भी करना चाहें तो, और इस तरीके से आप इसमें ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं ये, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं अगर आप अकेले हैं तो उस यूज़ के तो मुझे ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है कि आप इसे एज ए ब्लॉगिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जब आप खासकर किसी रास्ते पर अकेले जा रहे हों तो कोई आपके साथ ना हो। थोड़ा सा इसका टेक्सचर ये देखिए जी, अब हमें अलग से किसी और की आवश्यकता नहीं है, ये हम इस तरीके से गाड़ी चलाते हुए भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों ये तो इसका इंस्टॉलेशन तो हो गया कंप्लीट, अब हम आपको इसमें कुछ वीडियो बना के दिखाएंगे। दो तरीके के फ़ोन है जी हमारे पास, एक नॉर्मल जो आता है आपका स्टेबलाइजेशन के साथ जो फ़ोन है मोनू भाई का, उस फ़ोन में इनबिल्ट गिम्बल है, इनबिल्ट स्टेबलाइजेशन है, तो उसमें वीडियो कुछ और हो सकती है, और मेरा नॉर्मल फ़ोन है तो शायद उसमें वीडियो कुछ और टाइप की हो सकती है, तो उसके भी शॉट हम इसमें डाल के आपको ज़रूर बताएंगे। उसके बाद आप अपनी राय जरूर बताइएगा कि ये गैजेट आपको कितना यूज़फुल लगा और कैसा लगा। तो लीजिए दोस्तों ये है कुछ सैंपल गौरव भाई के फ़ोन से, अभी हम शूट कर रहे हैं, इसमें ऑटोमेटिक इनबिल्ट गिम्बल है फ़ोन में, वीडियो क्वालिटी आप देख ही पा रहे होंगे कितनी अच्छी वीडियो क्वालिटी है। ये देखिए दोस्तों हम चलेंगे सहजदारा वाली रोड पे, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक थोड़ा कम होता है और मालदेता वाली रोड पे ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए हम चलेंगे जी सहजदारा वाली रोड पे। चलिए दोस्तों ये शूट हो रहा है अभी गौरव भाई के फ़ोन से इनबिल्ट गिम्बल के साथ। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, एक मैं आपको खाली व्यू दिखा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो अगर मैं पूरे दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये दोनों स्क्रीन में आप कंपेयर कर सकते हैं, राइट साइड की स्क्रीन में चल रहा है मोनू भाई के फ़ोन की रिकॉर्ड, और लेफ्ट साइड में चल रहा है मेरे फ़ोन से रिकॉर्ड जिसमें गिम्बल इनबिल्ट नहीं है, तो इससे आपको दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो
ये गैजेट हमने लिया था बेसिकली अपनी ब्लॉगिंग के लिए, लेकिन मेरे फ़ोन से इसमें ब्लॉगिंग नहीं हो सकती। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का फ़ोन है, आईफोन वगैरह है, या जिस ऐसा कोई भी फ़ोन जिसमें इनबिल्ट गिम्बल होता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन मेरे वाले फ़ोन से जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, मैं कच्ची रोड पर गाड़ी हम चला रहे हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा हिल रही है। अभी मोनू भाई के फ़ोन से भी हम सैंपल दिखाएंगे आपको थोड़े कच्चे रास्ते का, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वीडियो कितनी अच्छी है। बाकी इस गैजेट को आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में गूगल मैप वगैरह चलाने के लिए, फ़ोन के नोटिफिकेशन वगैरह चेक करने के लिए, इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपका फ़ोन मेरी तरह नॉर्मल फ़ोन है इनबिल्ट गिम्बल के बिना। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो अब वीडियो को इसी के साथ अंत करेंगे। ये रिकॉर्ड हो रहा है अभी मेरे फ़ोन से, प्लेन रोड पे भी चलते हुए बहुत ज़्यादा वीडियो सेक हो रही है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमें लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अरे दे दे चलिए दोस्तों वीडियो को ख़त्म करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में बने रहने के लिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत दोस्तों।